कहानी की शुरुआत में हम एक यंग मैरिड कपल मैट और केट को देखते हैं, जो न्यूयॉर्क में अपने नए घर में रहने के लिए आए थे। वो दोनों अपने नए घर से अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करते हुए बहुत खुश होते हैं। उनके नए घर को रेनोवेशंस और रिपेयर की जरूरत थी, इसलिए वो उसे ठीक करने में लग जाते हैं। किचन को ठीक करते वक्त केट को कैबिनेट में एक मरा हुआ बर्ड दिखाई देता है, जिसे दफनाने के लिए वो उसे बाहर ले जाती है। पर तभी खिड़की से मैट उसे आवाज देता है, जिससे उसका ध्यान मैट की तरफ चला जाता है। और जब वो वापस उस बर्ड की तरफ देखती है तो वो बर्ड गायब हो चुका था। उधर बेकार की चीजों को घर से बाहर फेंकते हुए मैट को दीवार पर कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है, जिसे क्लियर देखने के लिए वो वॉलपेपर को फाड़ देता है। वहाँ उसे अजीब से की होल वाला एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे को खोलने के लिए वो उस कबाड़ में से उस दरवाजे की चाबी ढूंढने लगता है, और जैसे ही वो चाबी उसे मिलती है, वो दरवाजा खोलने के लिए उसे की होल में डालता है और केट को आवाज देकर बुलाता है। फिर वो दोनों साथ मिलकर दरवाजा खोलते हैं। तभी हॉल की तरफ जाने वाले रास्ते की सारी लाइटें अचानक टिमटिमाने लगती हैं, और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैट पावर कंपनी को फोन करता है। वहीं केट को उस रूम में कुछ अजीब सा डर महसूस होता है, इसलिए वो भी मैट के पीछे चली जाती है। अगले दिन उनकी लाइट की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए पावर कंपनी से एक ऑपरेटर आता है। उसे ये देखकर हैरानी होती है कि बेसमेंट के सारे वायर्स कुछ अजीब तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए थे और देखने में बहुत पुराने जमाने के लग रहे थे। जब मैट उस ऑपरेटर को लाइट ठीक करने के लिए कहता है, तब ऑपरेटर उससे कहता है कि उसने आज तक इस तरह की चीजें पहले कभी नहीं देखी। वहाँ से जाने से पहले वो ऑपरेटर मैट को बताता है कि उस घर के पहले मालिक का मर्डर उसी घर में हुआ था। ये शॉकिंग न्यूज सुनकर मैट इस घर के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है। एक पुराने न्यूज आर्टिकल को पढ़कर मैट को पता चलता है कि मरने वाले कपल का नाम पॉल और मेडलिन शेफर था, जबकि सस्पेक्ट की पहचान नहीं हो पाई थी और उसे जॉन नाम से पुकारा जाता था। मैट एक आर्टिस्ट था, इसलिए वो अपने स्केच पैड पर जॉन की तस्वीर बनाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद वो आराम करने के लिए मिस्टीरियस रूम में जाता है और वहाँ बैठकर एक बोतल शराब की पीकर खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पर उसे एक और बोतल शराब पीने की इच्छा होती है कि तभी लाइट्स टिमटिमाने लगती है और अचानक शराब की एक और बोतल उसके सामने हाजिर हो जाती है, जिसे देखकर मैट हैरान हो गया था। उस बोतल को अच्छी तरह देखने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचता है कि ये रूम किसी भी इच्छा को पूरी कर सकता है। दूसरी साइड लिविंग रूम की लाइट्स के टिमटिमाने की आवाज से केट की नींद टूट गई थी। वो मैट को अपने पास न देखकर उसे ढूंढने के लिए ऊपर की तरफ जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि पूरा रूम नई चीजों से भरा हुआ है और उन सब के बीच मैट बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था। वो कैट को वैन गॉग की कीमती पेंटिंग दिखाते हुए बताता है कि उस रूम में किसी भी विश को पूरा करने की ताकत है। केट इसे मैट का कोई मजाक समझकर हंसी में उड़ा देती है, पर अपने हस्बैंड की गंभीरता को देखकर वो इसे चेक करने के लिए $1,000 की विश करती है। केट के मांगे हुए पैसों को मैट पूरे रूम में ढूंढता है और वो पैसे उसे मिल जाते हैं। फिर भी केट को पूरी तरह विश्वास नहीं होता है और वो दोबारा $1,000,000 की विश करती है। पहले की तरह इस बार भी उन्हें तुरंत $1,000,000 मिल जाते हैं और वो रातों रात मिलियनेयर बन जाते हैं। ये सब देखकर केट बहुत डर जाती है और उस रूम से बाहर निकल जाती है। मैट उसके पास जाकर उसे समझाता है कि वो लोग इस चीज का फायदा उठा सकते हैं और एक शानदार जिंदगी जी सकते हैं। फिर भी वो दोनों सारा दिन उस रूम में अपनी मनपसंद चीजों की विश करते हुए बिताते हैं। उनकी एक विश पर रूम में मनपसंद कपड़ों, शैंपेन, कीमती चीजों और पैसों का ढेर लग जाता है। मैट और केट की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि दुनिया की हर बेशकीमती चीजें उनके पास होती हैं। रात होने पर केट मैट से पूछती है कि आखिर ये रूम उनकी सारी विशेज इतनी आसानी से कैसे पूरी कर देता है, लेकिन मैट उसे कहता है कि उसे इन सब बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस तरह अगले कुछ दिनों तक उनकी जिंदगी बड़ी शानो शौकत से गुजरती है। हर बार जब भी उनकी कोई विश होती तो लाइट टिमटिमाती और उनकी सारी इच्छाएं बेसमेंट में बने उस रूम में तुरंत पूरी हो जाती। वो दोनों रातों रात मिले इस खजाने का जश्न मनाते, पार्टी करते और नाचते गाते हुए मस्ती में दिन गुजार रहे थे। लेकिन उनकी ये चमक धमक वाली जिंदगी ज्यादा दिनों तक उन्हें खुशी नहीं दे सकी और धीरे धीरे केट को अपने अंदर की कमी खलने लगती है, जो कि इन सारी चीजों से पूरी नहीं हो सकती थी। मैट को उसकी फिक्र होती है और वो उसे बच्चे का एक बेड गिफ्ट करता है, जो इस बात का इशारा था कि उन्हें बच्चे के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन केट ये देखकर खुश होने की बजाय अपसेट होकर घर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि पहले ही उसके 2 मिसकैरेज हो चुके थे। थोड़ी देर बाद केट वापस लौटती है और उस विशिंग रूम में जाकर एक बच्चे की विश करती है। जब मैट को ये बात पता चलती है तो वो केट पर नाराज होकर कहता है कि बिना उसके सलाह लिए उसे बच्चे की विश नहीं मांगनी चाहिए थी। इस बात पर दोनों में काफी बहस होती है। केट कहती है कि उसने ये शॉर्टकट इसलिए अपनाया ताकि मिसकैरेज या लेबर पेन की तकलीफ न झेलनी पड़े। वो कहती है कि वो दोनों इस बच्चे के साथ बहुत खुश रहेंगे, पर मैट इस बात से अग्री नहीं होता और उस बच्चे को रूम में ले जाकर उसके गायब होने की विश करने को कहता है। वो दोनों उस रूम में जाते हैं, पर केट बच्चे को गायब करने की विश नहीं कर पाती और रोते हुए बच्चा मैट के हवाले कर देती है। पर गोद में बच्चे को लेकर मैट भी इमोशनल हो जाता है और वो भी उसे गायब करने की विश नहीं कर पाता।
और बच्चे को वापस केट की गोद में डाल देता है। आखिरकार दोनों बच्चे को अपने पास रखने के लिए राजी हो जाते हैं और इस तरह दोनों रातों रात पेरेंट्स बन जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मैट की नजर अपने अधूरे ड्राइंग पर पड़ती है जिसमें वो जॉन का चेहरा बना रहा था। उसे देखकर वो फिर से अपने रिसर्च में लग जाता है और उसे पता चलता है कि वो सस्पेक्ट मर्डरर अभी भी जिंदा है और किसी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में मौजूद है। एक दूसरे न्यूज आर्टिकल के मुताबिक जॉन का कहना था कि उससे ये मर्डर उस रूम ने ही करवाया था। ये जानने के तुरंत बाद ही मैट जॉन से मिलने के लिए निकल पड़ता है ताकि उससे उस रूम के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कर सके। हॉस्पिटल पहुंचने पर नर्स उसे वार्न करती है कि लास्ट 45 सालों में न्यूज रिपोर्टर्स के अलावा कोई भी जॉन से मिलने नहीं आया। ये सुनकर मैट खुद को भी एक रिपोर्टर के रूप में पेश करता है। आखिरकार बूढ़े हो चुके जॉन के साथ मैट की फेस टू फेस मुलाकात होती है और वो उससे उस घर और खासकर उस मिस्टीरियस रूम के बारे में पूछने लगता है। चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ जॉन उसे बताता है कि वो इस पल का बरसों से इंतजार कर रहा था। जब मैट उससे शेफर को मारने की वजह पूछता है तब वो कहता है कि इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। फिर बात को बदलते हुए वो मैट को जितनी जल्दी हो सके उस घर को छोड़ देने के लिए कहता है और कहता है कि जिस इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं होती उससे ज्यादा खतरनाक वो इंसान होता है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसके बाद मैट घर लौटते वक्त एक गैस स्टेशन पर गैस डलवाने के लिए रुकता है, पर जैसे ही वो अपने वॉलेट से पैसे निकालता है तो देखता है कि उसके सारे पैसे डस्ट बन जाते हैं। ये देखकर वो तुरंत घर पहुंचता है और इस बात को कंफर्म करने के लिए उस रूम में रखे सारे पैसों को बाहर फेंक देता है। साथ ही वैन गॉग की उस पेंटिंग को भी दरवाजे के बाहर रख देता है। फिर उन सारी चीजों को डस्ट में बदलते हुए देखकर वो समझ जाता है कि वो लोग उस रूम से मिली किसी भी चीज को घर के बाहर नहीं ले जा सकते, नहीं तो वो सारी चीजें डस्ट में बदल जाएंगी। मैट गुस्से में दीवार को तोड़ देता है ताकि रूम की मिस्ट्री को जान सके, पर उसके अंदर उसे उलझी हुई वायर्स के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। उन वायर्स को ट्रैक करना मैट के लिए नामुमकिन था। फिर वो दीवार पर लगे कुछ वॉलपेपर्स को फाड़ता है तो उसे वहाँ उस घर का मैप दिखाई देता है जिसमें उसे सारे वायर्स के कनेक्शन की जानकारी मिलती है। इसी बीच केट बच्चे को गोद में लिए बाहर की तरफ चली जाती है, पर मैट उसे ये कहकर रोक देता है कि बच्चे को बाहर ले जाना सेफ नहीं है। वो उसे असल वजह नहीं बता पाता। कुछ दिनों बाद एक दिन बच्चा किसी दर्द की वजह से जोर जोर से रोने लगता है और केट से नहीं संभलता। तब मैट उसकी हेल्प करने के लिए बच्चे को गोद में ले लेता है और उसे चुप कराने के लिए बाहर निकल जाता है, पर कुछ ही सेकंड्स में वो बच्चा बड़ा होने लगता है और जब वो लोग वापस घर में घुसते हैं तो देखते हैं कि वो एक बड़ा बच्चा बन चुका था। उस रात मैट केट को बताता है कि वो रोम उनकी हर विश को पूरी कर सकता है, पर वो उसकी दी हुई चीजों को घर से बाहर नहीं निकाल सकते वरना वो चीजें पुरानी होकर डस्ट में बदल जाएंगी। ये सुनकर केट को बहुत दुख होता है और वो कहती है कि उनका बच्चा कोई सामान नहीं है जिसे वो लोग बाहर नहीं ले जा सकते। उसे अपने बच्चे से बहुत लगाव होता है, वो उसे अपना बेटा ही मानती है और उसका नाम शेन रखती है। अगले कुछ दिनों तक केट शेन को घर पर ही पढ़ाती है और उसे समझाती है कि वो घर के बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर डेंजरस जर्म्स हैं जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक दिन जब केट उसे पढ़ा रही होती है तो वो बाहर जाने की जिद करने लगता है। वो कहता है कि उसने जिंदगी में एक बार भी घर के बाहर कदम नहीं रखा, उसे घर के अंदर सिर्फ दीवारें देखना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन केट उसकी सेफ्टी के लिए उसे बाहर नहीं जाने दे सकती थी, इसलिए वो हर बार घर के अंदर आते और घर से बाहर जाते समय दरवाजे पर ताला लगा दिया करती थी ताकि शेन गलती से बाहर कदम ना रख सके। एक दिन उसे मैट का ऑर्डर दिया हुआ एक पैकेज मिलता है तो वो उसे लाकर मैट को दे देती है, पर गलती से फ्रंट डोर लॉक करना भूल जाती है। मैट को पार्सल के अंदर एक ब्रांड न्यू गन मिलती है जिसे वो संभाल कर रख देता है। इस बीच केट पियानो बजाने में बिजी हो जाती है और मौके का फायदा उठाकर शेन चुपके से फ्रंट डोर की तरफ बढ़ता है। वो बाहर की दुनिया देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था, इसलिए अपने हाथ को दरवाजे से बाहर निकाल कर ताजी हवा को महसूस करता है कि तभी केट की नजर उस पर पड़ती है। वो दौड़कर उसके पास जाती है और अपने बेटे को गले लगा लेती है। उसे सही सलामत देखकर केट को राहत मिलती है। फिर मैट और केट दोनों मिलकर शेन को बाहर जाने से रोकने के लिए पूरे घर की खिड़कियों में लकड़ी के तख्ते लगा देते हैं। उस रात केट की नींद खुलती है तो वो देखती है कि शेन उसकी बेड के पास खड़ा है और वो उससे उसके पास सोने की परमिशन मांगता है। फिर शेन उससे कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है, जिसे सुनकर वो प्यार से उसे अपने गले लगा लेती है। शेन को उसकी बातों से तसल्ली नहीं मिलती और वो कुछ सोचने लगता है। फिर हम देखते हैं कि अगले कुछ दिन मैट अपने गन से शूटिंग की प्रैक्टिस करता रहता है। एक दिन जब वो प्रैक्टिस के बाद घर आता है तो देखता है कि शेन अपने आर्ट स्टूडियो के अंदर स्नो ग्लोब बनाकर खेल रहा है। वो शेन को सख्ती से गेम छोड़कर जाने के लिए कहता है। उसकी डांट सुनकर शेन के हाथ से स्नो ग्लोब गिरकर टूट जाता है। दरअसल मैट ने अभी तक शेन को अपना बेटा नहीं माना था, इसलिए वो उसके साथ बेरुखी से बात करता था। इधर ग्लोब टूटने की आवाज सुनकर केट तुरंत वहां पहुंचती है और अपने बेटे के साथ बाप जैसा बिहेव नहीं करने के लिए मैट से बहस करने लगती है। उस रात घर के अंदर चारों तरफ चक्कर लगाते हुए शेन को एक मैप मिलता है जिसे फॉलो करके वो बेसमेंट में पहुंच जाता है।
जाता है जहाँ उलझी हुई वायर्स के बीच मेन पावर सोर्स था। उन सब से गुजरते हुए वो आखिर उस रूम तक पहुँच जाता है। रात भर पूरे घर में लाइट्स टिमटिमाती रहती है, पर मैट और केट नींद में होने के कारण कुछ नोटिस नहीं कर पाते। अगली सुबह जब मैट की नींद खुलती है तो उसे अपने बगल में एक नया स्नो ग्लोब पड़ा दिखाई देता है और इसके साथ ही टूटा हुआ ग्लोब कुछ दूरी पर रखा हुआ मिलता है। उसी वक्त लाइट्स को टिमटिमाते देखकर वो समझ जाता है कि क्या हो रहा है और तुरंत अपनी वाइफ को जगाता है। दोनों रूम की तरफ भागते हैं और वहां जाकर हैरान रह जाते हैं। शेन ने विश करके रूम के अंदर ही एक बड़ा सा आउटडोर एरिया क्रिएट कर लिया था। अब वहां रूम की बंद छत और दीवारों की जगह खुला आसमान और एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट था जहां शेन स्नोमैन बनाने में बिजी था। केट अपने बेटे की बनाई हुई शानदार दुनिया को देखकर खुशी से इमोशनल हो जाती है और उसके साथ खेलने लगती है, जबकि मैट को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे हाथ पकड़कर वापस घर के अंदर ले आता है। इस घटना से दोनों के बीच शेन को रूम में जाने और खेलने देने की बात पर बहस होने लगती है। मैट कहता है कि ये खतरनाक हो सकता है, पर केट को ऐसा नहीं लगता। उनकी बहस चलती रहती है कि तभी फोन की घंटी बजती है और परमिशन नहीं होने के बावजूद शेन फोन उठा लेता है, पर जल्दी ही मैट उससे फोन छीन कर खुद बात करने लगता है। दूसरी तरफ जॉन की आवाज़ सुनकर उसे हैरानी होती है। शेन से बात करके जॉन को पता चल चुका था कि उन लोगों ने एक बच्चे की विश की थी। उधर किचन में रखे एक दूसरे फोन से केट उन दोनों की सारी बातें चुपके से सुन लेती है। जॉन उससे कहता है कि शेन को बाहर की दुनिया में आजादी से घूमने देने के लिए उसे केट की जिंदगी की कुर्बानी देनी पड़ेगी, यानी जब केट मर जाएगी तो शेन पूरी तरह से आजाद हो जाएगा और एक नॉर्मल इंसान की तरह जी सकेगा। फिर उसकी उम्र भी नॉर्मल इंसान की तरह ही बढ़ेगी। वो मैट को ये राज भी बताता है कि वो भी रूम का ही दिया हुआ एक बच्चा था। तब उसकी माँ ने उसके बाप को मार डाला था और उसे बड़ा करके खुद को मारने के लिए कहा था ताकि उसका बेटा आजाद हो सके। फिर वो मैट से कहता है कि उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो केट को मारकर शेन को बचा सकता है या फिर शेन को मारकर केट को बचा सकता है। ये सारी बातें सुनकर केट को बहुत दुख होता है और वो घर छोड़कर चली जाती है, जिससे मैट को उसकी फिक्र होने लगती है। केट खुद को मारने के लिए अपनी कार का एक्सीडेंट करना चाहती थी, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। इधर घर पर शेन के साथ मैट का बिहेवियर पागलों जैसा हो जाता है और वो उसकी सारी चीजें फेंक देता है, यहाँ तक कि उसका स्टूडियो तक तहस नहस कर डालता है। फिर थोड़ी देर बाद वो शेन के लिए डिनर तैयार करता है जो कि कुछ दूर रखे डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। शेन उससे ढेर सारे सवाल पूछने लगता है, जिससे चिढ़कर वो शेन को बता देता है कि वो उनका असली बेटा नहीं है और ना ही उसके कोई पेरेंट्स हैं। इतना ही नहीं, वो गुस्से में आकर शेन को फ्रंट डोर से बाहर निकाल देता है, पर शेन डरकर वापस ऊपर चला जाता है। कुछ ही देर में मैट को अपनी गलती का एहसास होता है और वो शेन के रूम में जाकर उससे माफी मांगने लगता है। फिर शेन उसे स्टोरी पढ़कर सुनाने को कहता है और सारी रात वो दोनों साथ में सोते हैं। जब केट वापस घर लौटती है तो उन दोनों को एक साथ सोते देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। उस रात मैट और केट दोनों इंटीमेसी में बिजी होते हैं कि शेन छुप कर उन्हें देख लेता है। फिर वो उनके सोने का इंतजार करता है और जैसे ही वो सोते हैं शेन चुपके से फ्रंट डोर की चाबी चुरा लेता है। अगले दिन सुबह मैट और केट फ्रंट डोर को खुला देखकर समझ जाते हैं कि शेन बाहर गया होगा। तभी घर के एक अलग हिस्से में शेन को देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शेन अब जवान हो चुका था लेकिन उसका दिमाग अभी भी बच्चों जैसा था। वो अपने पेरेंट्स की तरफ गन पॉइंट करके उन्हें धमकाता है तो केट उसे समझाने की कोशिश करती है। इसी बीच मैट शेन के ऊपर कूद पड़ता है और दोनों में फाइट होने लगती है। उधर केट उनकी लड़ाई की वजह से जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद मैट उसे जगाते हुए बताता है कि शेन को गलती से गोली लगने के कारण वो मर गया। इस खबर से दुखी होकर केट रोते हुए घर से बाहर निकल जाती है। मैट उसे तसल्ली देकर वापस घर में ले आता है, जहां अभी भी वो उदास रहती है। उधर दूसरे रूम में जहां उनकी फाइट हुई थी, असली मैट होश में आ जाता है और पूरे घर में अपनी वाइफ की तलाश करता है कि तभी लाइट्स को फिर से टिमटिमाते देखकर वो डरते हुए उस रूम की तरफ जाता है। उसे पूरा यकीन था कि केट और उसकी शक्ल में शेन अंदर ही होगा। इधर केट को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उसके साथ बैठा हुआ आदमी मैट नहीं शेन है, पर जल्दी ही उसे शेन के आइस खाने की हैबिट से पता चल जाता है कि वो मैट नहीं बल्कि उसकी शक्ल में शेन है। उधर असली मैट अंदर जाने के लिए पूरी ताकत लगाकर दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। आखिर सारे वायर्स को पार करके वो उस रूम तक पहुंच जाता है जो कि अब एक जंगल था, जहां ढेर सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। वहां जाकर मैट को पता चलता है कि शेन ने रूम का यूज करके उस जगह को काफी बड़ा कर लिया था और वहां उन्हीं के जैसा एक डुप्लीकेट घर भी बना लिया था। वो ये भी समझ चुका था कि शेन ने उसका रूप केट को किडनैप करके उस डुप्लीकेट घर में रखने और अकेले में उसके साथ फिजिकल होने के लिए किया था। ये ख्याल आते ही अपनी बीवी को वापस पाने के लिए मैट उस जंगल में दौड़ते हुए फाइनली उस डुप्लीकेट घर के अंदर पहुंच जाता है, जहां शेन केट के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। मैट को अंदर आते देखकर शेन फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। इधर मौका पाकर केट उठकर भागने ही वाली होती है कि हॉलवे में दो दो मैट को लड़ते हुए देखकर वो ठिठक जाती है। दोनों में इतनी समानता
थी कि वो असली और नकली के बीच पहचान नहीं कर पाती। अचानक एक मैट उसके हाथ को पकड़ लेता है, पर वो उसे धक्का देकर खुद को छुड़ा लेती है और शेन का नाम पुकारती है। वो अपना नाम सुनकर उसकी तरफ देखता है, पर उसके धक्के से गिरकर बेहोश हो जाता है। जमीन पर गिरते ही वो अपने असली रूप में आ जाता है। इधर मैट और केट रूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर निकल नहीं पाते क्योंकि शेन ने रूम से उनके उसी घर में फंसे रहने की विश मांगी हुई थी। लाख कोशिशों के बाद भी जब वो लोग घर से नहीं निकल पाते तो मैट रुक जाता है और वहाँ से निकलने के लिए कोई उपाय सोचने लगता है कि अचानक फिर से वहाँ शेन आ जाता है और मैट को चाकू घोंपकर मार डालता है। फिर वो केट को समझाने की कोशिश करता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि वो दरअसल उनके क्लोन थे, जबकि असली मैट और केट दौड़कर रूम के बाहर जंगल की तरफ भागते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए शेन भी उनके पीछे भागता है। मैट और केट के चकमा देने की वजह से वो और भी ज्यादा गुस्से में होता है। असली घर में पहुँचते ही शेन मैट पर अटैक कर देता है, पर मैट उसे अपने साथ खींचकर घर के बाहर ले आता है। अपनी जान को खतरे में देखकर शेन वापस दरवाजे की तरफ भागता है, पर उसके अंदर घुसने से पहले ही केट दरवाजा बंद कर लेती है। शेन मम्मी कहकर उसको पुकारता है और केट घर के अंदर से उसे बूढ़ा होते हुए देखती रहती है। धीरे धीरे उसकी बॉडी गलने लगती है और अंत में वो डस्ट में बदल जाता है। उसकी गलतियों के बावजूद केट उसकी मिट्टी को हाथ में लेकर बहुत रोती है क्योंकि उसने उसे अपना बेटा मानकर काफी समय उसके साथ बिताया था। फिर मैट उसके पास आता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर अपना दर्द कम करने की कोशिश करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक महीने बाद वो एक छोटे से घर में सेटल हो जाते हैं और सुकून से रहने लगते हैं। पर थोड़े ही दिनों बाद केट डरते हुए अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। वो बहुत उलझन में दिखाई देती है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि वो बच्चा मैट या शेन में से किसका है। हालात पहले से बेहतर होने के बावजूद उसे लगता है कि वो अभी भी उस रूम में है क्योंकि लाइट्स फिर से टिमटिमाने लगी थी। इस स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि मैट और केट रूम की दी हुई दौलत के नशे में पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं। विशेष पूरी करने की जादुई शक्ति के मिलने से वो अपनी ख्वाहिशों के मामले में कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई मिसकैरेज होने के बाद भी वो रूम से रेडीमेड बच्चे तक की ख्वाहिश कर बैठते हैं। उनके नए अपार्टमेंट में लाइट्स के टिमटिमाने से ये कंफ्यूजन बना रहता है कि या तो वो अभी तक उस मिस्टीरियस रूम में है या बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में कोई गड़बड़ी है। ठीक उसी तरह केट की प्रेगनेंसी भी एक कंफ्यूजन रहती है कि वो बच्चा मैट या शेन में से किसका है, क्योंकि उस घटना से एक दिन पहले मैट और केट के बीच इंटीमेसी होती है और उस डुप्लीकेट घर में शेन भी उसे सेक्सुअली असॉल्ट कर चुका होता है। इस तरह ये कहानी न सिर्फ विश पूरा करने वाले रूम के इर्द गिर्द घूमती है बल्कि ये सवाल भी छोड़ जाती है कि आखिर केट के पेट में पलने वाले बच्चे का बाप कौन है, मैट या शेन। दोस्तों, हमारे फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।